श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरधाम जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है, हे अकाल पुरख जी, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार खालसा जी नूं बख्शो। ये अरदास सिख रोज़ाना ही करदे ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे चरणां दे विच कि पातशाह जी इदां दी कृपा कर दिओ कि जिहड़े उधरले बन्ने साडे गुरधाम हैगे ने सानूं उहनां दे खुले दर्शन दीदारे होण। उधरले बन्ने दा भाव कि पाकिस्तान वाले पासे। बेनती करा कि सानू 1947 नू कहिंदे देश वंडिया गया, पर मैं कहना कल्ला मैं ही नहीं कहना, बहुत सारे लोग जिहड़े समझदे ने इहनां गल्लां नू वह भी ये गल कहिंदे ने कि भारत कित्थे वंडिया गया, देश कित्थे वंडिया गया। वंडिया ते गया साडा पंजाब, वंडिया गया पंजाब, और जिन्हां दा नुकसान होया वह कौन सिगे? भला पंजाबी सिगे, भावें इधर चढ़दे वाले ते भावें उधर लहिंदे वाले पासे दे पंजाबी। जिन्हां दीआं धीआं भैणां दीआं बेपत्तियां होईआं औरतां दीआं, वह कौन सी? भला लेंदे ते चढ़दे पासे वाले पंजाबी। मैं बेनती करा पंजाबी, इत्थे पंजाबी तो भाव मेरा ये नहीं हैगा कि सिख, उन्हां विच हिंदू सज्जण भी होणगे, हिंदू वीर ते भैणां भी होणगे जिन्हां दा नुकसान होया, जिन्हां दे घर उधर रह गए, कईआं दे इधर रह गए, इधरों छड के उधर चल गए, कई उधरों छड के इधर आ गए। बेनती करा कल्ले सिख नहीं सगे, गैर सिख भी होणगे, मुसलमान भी सगे, उन्हां विच हिंदू भाई भी सगे, परिवार भी सगे सारे, उह उन्हां दे नाले सारा कुछ वापरिया। बेनती करा सिखां दे नाल तां इस तों भी ज़्यादा होर माड़ा वापरिया, वह माड़ा ये वापरिया आ जिहड़ी अरदास कीती जांदी है, वरना यह अरदास करन दी नौबत ना आउंदी। आ सारा कुछ सिखां दे नाल वापरिया भई सिख अपने गुरधाम जिहड़े उधर रह गए, सिख अज उहनां दे दर्शन दीदारे करन वास्ते उधर नहीं जा सकदा। मैं बहुत सारे मुल्क दुनिया भर दे विच वेखदा, किसी मैं एक मुल्क का नाम लै के कहनूं गल करनी आ, चलो तुसीं सारे जाणदे हो अज गूगल दे उपर जाके बहुत कुछ सर्च किया जा सकता है, अज सोशल मीडिया ने बहुत कुछ लागे लागे कर दिता है, बड़े इदां दे मुल्क हैगे आ जदों तुसीं अपनी गड्डी लै के ना उधरों लंघ दिओ किसी नूं। हुण मान लो आपां हुशियारपुर, मैं रहिंदा मान लो हुशियारपुर तों मैं जलंधर नूं जाणा, तो हुण उत्थे लिखिया हुंदा, बोर्ड लग्या हुंदा है कि इत्थों हुण जलंधर दी हद शुरू हुंदी है, जां इत्थों हुण थाणा फलाना जिहड़ा थाणा हैगा आदमपुर भी उहदी हद इत्थे खत्म हुंदी है। हुण जिथे हद खत्म हुंदी है, नवें शहर की जिहड़ी हद हैगी जिथों शुरू हुंदी है, उत्थे कोई कंडियालियां तारां नहीं लगियां होईयां, उत्थे कोई ये नहीं हैगा कि तुसीं इत्थों अगे जा नहीं सकदे, उत्थे कोई ये नहीं हैगा कि तुहानूं पासपोर्ट जां वीज़ा लैण दी लोड़ है। इहदे बहुत उत्थों सड़क इदां तुसीं गड्डी लै के लंघदे हो, बस सिर्फ बोर्ड लगा होया, तुसीं देख के ते गड्डी ऐं लै के तुसीं अगे चल जांदे हो। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਫਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਧਾਮ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ,
उन्होंने बापू जी चढ़ाई कर गए थे तो सबब बन गया इदा। मैं उन्होंने पूछा मैं बापू जी किन्ना क इतों अगे वो कहें जी बिल्कुल आ सामने ही है केंद्र उन्होंने घर तो तकरीबन 500 मीटर सिर्फ अद्धा किलोमीटर से अगे असी गड्डी लैके तो अगे नू चल गए। थोड़ा जा उरे कहिंदे जी इत्थे गड्डी रोक दो फौज वाले कहिंदे असी रोकती कहिंदे तुर के अगे नू होके देख लो। असी अगे नू होके तुर के वेख्या और मैं किन्ना ही चिर उत्थे खड़ा रहा वाहवे चिर खड़ा रहा और मेरा 1947 तो पिछे ध्यान चला गया। मेरे बजुर्ग दसदे हुंदे सीगे कि साडे परदादा जी मेरे परदादा जी जिहड़े सीगे इउं दसदे हुंदे सी कहिंदे वी पारों इधर आए सीगे पारों भाव के पाकिस्तान तो इधर आके वसे सीगे उह पाकिस्तान तो इधर आके वस गए सके किन्नियां दी मौत हो गई सी जो दसदे जो सुनदे सानू तो पता नहीं हैगा भी वह किस तरह बच गए बचते बचाउंदे इधर आ गए परदादा जी ते परदादी जी। फिर उस तो अगे चलो जिदा भी हैगा असी उन्हां तो अगे अपनी जिंदगी हुण जी रहे हैं सारा कुछ जो भी हैगा ध्यान पिछे चला गया। मन विच ख्याल ये आवे मेरे उत्थे खड़े दे भी मना भी वो उधरले पासे कोई ना कोई इदां दा घर जरूर होऊंगा जिहदे बारे मैनूं पता नहीं हैगा भी उत्थे साडे पुरखे रहिंदे होणगे भी चित करदा भी कितें पता लग जाए तो मैं वो घर वेख के आवां मैं उस घर दीआं कंधां नूं वेख के आवां जिथे साडे पुरखे रहिंदे रहे आ। चलो जे मैनूं अपना घर ना लब्भे तो जिहड़े बाकी साडे नाल दे पंजाबी साडे भरा हैगे आ गुरसिख भरा हैगे भी उहनां दे परिवार तां उधर हैगे आ। मैं बहुत सारे लोगों नूं इत्थे इंटरव्यू किया बहुत सारे सज्जण नूं भी मिलदा हैगा जिहड़े दसदे आ कहिंदे सबब बणिआ सी उत्थे गए सीगे उधर वाले भी कई दसदे आ कहिंदे असीं इधरले बन्ने आए सी इक वारी ते अज कोई इत्थे होर रह रिहा हैगा पर साडी बढ़िया उह भगत कीती उहनां ने सानूं बड़ा प्यार कीता अखां नाम हुंदीआं ने अज वी इधर वाले जो उधर जाते हैं ना अखा नाम होंदिया ने वह भी गलबकड़ी पा के घुट के मिलते हैं। मैं बड़ा कई बार सोचता मेरा मन बड़ा भावुक हों कई बार भी हद हो गई भी आ की हो गया साढ़े नाल साढ़े लोगों वाप हो की गया तुसी देखो भाई भाई एक दूजे हूँ मिल नहीं सकता अ इतने नारे लगते सी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हूँ भाई भाई जड़े इधर वाले भाई उधरलिया मिल नहीं सकते मतलब किदा के हालात बन गए अपने गुरधामों के दर्शन दिदारे करने वास्ते नहीं जा सकते। अज सिख कौम फिर तड़पती है कि कोरीडोर खैर मैं गल कर रहा सगा मैं उत्थे खड़ा होकर ना वाहवे चिर मैं भावुक जहा हो गया वो फौजी जिहड़ा सगा लागे बैठा खड़ा सगा लागे उत्थे ड्यूटी दे सगा वो मेरे वल वेखदा रहा उन्हें मैनूं बुला लिया हिंदी में गल करदा सगा वो लंबे का होएगा कितने मैनूं कहिंदा क्या बात हुई कहिंदा बड़े मैं क्या यार कुछ नहीं मैं क्या भाजी भई चलो वैसे ही मैं कहिंदा मन च ख्याल आ रहा सगा भी देखो है ना किन्नी ज़्यादा मतलब कि साड़ी त्रासदी आ भी असी सामने गुरु घर दी दा वाइट बिल्डिंग मैंने उन्हें दस्या फौजी ने कहिंदा ओह देखो बिल्कुल सामने कहिंदा दिखाई दे रहा है मैं सामने देख रहा सानू गुरुद्वारा साहब अपना नज़र आता है सानू धन गुरु नानक देव महाराज जी जिथे आपका उन्होंने समा बिताया जिंदगी का मैनू नज़र आ रहा है पर मैनू हुक्म नहीं है भी मैं उत्थे जा सकां। मैं कहा जी फोटो खिंच लीए सानू फोटो भी नहीं खिंचन देंदे मैं कहा जी कैमरा है साडे कोल क्योंकि असं पत्रकार चलो कैमरा साढ़े को गड्डी पिया हों मैं कहता जूम करके लग गए वह कहता नहीं कहता साड़ी मजबूरी आ प्लीज़ कहता समझो तो चलो खैर असी फोटो भी नहीं खिंची तो असी कोई वीडियो भी नहीं बनाई असी वे चुप करके आराम वापस घर आ गए। वापस मैं वह यही सोचता पिया सगा कि अकाल पुरख वाहगुरु जी तुम कृपा करो भी जो अज मैं उत्थे जाके खड़ा होया तो मेरे मन में इन्ना ज़्यादा तड़फइया लगा है भी मैं तो कभी उधरला बन्ना वेख्या भी नहीं है ना मेरे बापू जी ने देखा मेरे परदादा जी दस वे दसते पी मेरे दादा जी दसते होंगे सके कि साढ़े वो इधरों इधर आए हैं तो जिन्हों सज्जणा ने उधर वाले अपने घर अपने पैरों के नाल चल के अपन लत्तों के नाल चल के इधरले बन्ने आए ने जा इधर उधर गए ने उन्हों का कि ज़्यादा दिल तड़फदा होगा जिन्होंने उधर वाली गलिया चेते आ अज तक भी चेते आ बजुर्ग हो गए ने हुण उह भावें उन्होंने गलिया चेते आ उन्होंने दरख्त चेते आ भी उन्होंने दरख्तों के थड़े जिथे बैठ के असी कोई ताश खेडता होगा चलो कोई गप्पा शप्पा मारदा होगा कोई अपने दोस्तों के नाल बैठ के अपने दुख सुख सांझे करता होगा उन्होंने मन कितना ज़्यादा तड़पदा होगा जे मेरा सोच के ही तड़पदा है वो तो उत्थे रहे हैं ना उन्होंने कितना ज़्यादा मन तड़पदा होगा उन्होंने किन्ने सज्जन होणगे जिहड़े उन्होंने गुरधामों के दर्शन कर नित जाते होंगे सगे सवेरे शाम अज नहीं जा पाते हो कितना ज़्यादा मन तड़पदा होगा। सो इस तरीके अज सिख कौम पूरी की पूरी तड़पती है और मैं उत्थे खड़े होकर होर जो वेख्या इधर भारत वाले बन्ने भारत वाले बन्ने जो कोरीडोर ना उपर जिदा बनता पाया ज पुल जिदा कह इदा आप कह लीए शुद्ध समझण वास्ते जिदा इदा उपर जिदा ना पुल थले पिलर लगे हुए ने इदा उपर की पुल बनता पाया भाव के इधरों जाना है जे किसी ने पुल के उपर की जिदा गड्डी जाऊँगी जो भी जाऊँगा सो तुहानू दूजे बन्ने लै जूँगा इस तरीके इधरों जिहड़ा बनता पाया ना जिथे हुण आ जिहड़ा पुल मान लो इत्थे बनता पाया इदा इधरले बन्नेआ बार्डर आ गया जी जिथे मैं खड़ा सीगा जिथे फौज वो इत्थे रुकया होया काम भाव कि इन्ना पिछे रुकया होया वो पिछे ही तक ही रुकया होया हुण किहनूं आखीए भी उधरले मुल्क वाले पासे तो ढिलवा या इधरले वाले पासियां तो ढिलवा किहनूं दोष दईए
किनू आखीए, पर एक गल तो पक्की है ना, पूरी दी पूरी कौम तड़पदी है कि साडा किसे तरीके दे नाल उधर नू लांघा खुले, असी उधरले बन्ने नू जाइए, असी अपने गुरधामां दे दर्शन करिए। मैं बेनती करा, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दा जदों राज भाग हुंदा सी, जदों इत्थे तुहाडा खालसे दा अपना राज हुंदा सीगा, उस वेले जो मैं इतिहास पढ़दा, जो मैं सुनदा अपने पुरखां दे कोलों भी सुनदा, भी इधरले बन्न्यों दी वपार हुंदा सीगा। जे इधरले बन्न्यों दी वपार हुंदा सीगा ते वपार भी जांदे लगे हुण अज, ते जे इधरले बन्न्यों जाके तुसीं दर्शन दीदारे करदे सीगे ते ओह तां जांदा ही लगा सारा कुछ। धार्मिक भावनावां दे नाल जुड़िया होया मामला हैगा, सिखां दे जज्बातां दे नाल जुड़िया होया इह मामला हैगा, पर सरकार गंभीरता दे नाल इहनूं क्यों नहीं लै रही हैगी, इह एक बड़ा वड्डा सवाल है। कि सरकार सिर्फ यही चाहती है कि जे सानू कोई व्यापारक फायदा हुंदा होऊंगा फिर असीं लांघे खोलांगे, जदों कि व्यापारक लाभ भी ले जा सकते हैं, पर विचाले पंजाब आउंदा हैगा, पंजाब दा भाव कि इत्थे सिख वड्डी गिणती च वसदे आ, रब जाने की उहनां दी मजबूरियां ने। हालां मैं आ कह दिता रब जाने, बहुत कुछ असीं जाणदे हाँ, बहुत कुछ तुसीं भी जाणदे हो, बहुत सारे सज्जण कमेंट भी कर सकते हैं, भी असीं जाणदे हाँ बहुत कुछ, पर गल तो यह हैगी ना भी वह सारा कुछ जद जिहड़ा हैगा कदों नूं ठीक होऊंगा, कदों नूं दुरुस्त होऊंगा, कदों नूं सिख कौम दे जिहड़े इह जज्बात ने इहनां दी पूर्ति होणी शुरू होऊंगी, कि हाँ बई मेरा चित कीता श्री ननकाणा साहिब दे दर्शन दीदारे करन वास्ते, मेरा चित कीता मैं श्री करतारपुर साहिब जाणा चाहुंदा भी मैं उत्थे नूं जाके दर्शन दीदारे करके ते वापस आपदे घर नूं मुड़ के आ जावां, चित करदा है। उत्थों किन्ना क किलोमीटर, जदों तुसीं बार्डर ते उत्थे चल जांदे आ ना, उस तो अगे मैनूं नहीं लगता हैगा कि 1.5 किलोमीटर भी होर परे नूं होऊंगा, तुसीं बड़े आराम नाल परे नूं तुर के पैदल जा सकते हो, उधर बंदे उधरले खेत खेतां दे विच काम करदे तुहानूं नज़र आउंदे आ, सो किन्नी इक खिच हुंदी आ जदों तुसीं उस माहौल दे विच जाके उत्थे खड़े हुंदे हो ना, जदों शांत कल्ले कल्ले खड़े हुंदे हो, तुहाडा रोण नूं चित करदा उत्थे। हले कल दीआं गल्लां ने, कोई लंबा कोई सदियां थोड़ी गुजर गई ने, हले कल दीआं गल्लां ने, सदियां गुजर गई हुण जिहड़ां कम्मां नूं तुसीं उन्हां घटनावां नूं चिते करके भी तुहाडा मन भावुक हो जांदा कई वारी, आ तां हले कल दीआं गल्लां ने, हले बजुर्ग जींदे ने, हले उह जिन्हां ने संताप अपने पिंड दे उपर झल्लिया उह जींदे ने, उहनां विच मैं कईआं नाल इंटरव्यू करके आ चुका हैगा। सो अज वी मैं वेखदा कि जथेदार जगतार सिंह हवारा नज़रबंद तिहाड़ जेल दिल्ली, उन्हां दी अगवाई दे विच कमेटी बनी हुई आ, उन्हां ने भी बीती कल उत्थे खड़े हो के ते बार्डर दे उपर खड़े हो के उन्होंने अरदास कीती है, अरदास कीती है इसे काम की कि पातशाह जी कृपा करो भई सानू जिहड़ा हैगा भई खुले दर्शन दीदारे बख्शो। उन्होंने एक होर गल आखी कि पाकिस्तान सरकार दे वल्लों श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर नू खोलण दी पहलकदमी करदिया होया, उन्होंने पहल की सी ना इस करके लिखा है, उन्होंने पहलकदमी करदिया 5 अगस्त 2021 नू एक पत्र जिहदा नंबर 5583 है, जिस राही भारत तो यात्रुओं नू श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर डेरा बाबा नानक वाले पासे तो जिदा लांघे राही पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा श्री करतारपुर साहिब के खुले दर्शन दीदार करन दे लई सद्दा दिता गया सी, पर भारत सरकार वल्लों अज तक श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर नू नहीं खोलिया गया। अज इस मौके सिख आगुआं वल्लों श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर नू खुलवाउण नू लैके श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर संघर्ष कमेटी का गठन किया गया, जिहदे विच इदां मैंबर हैगे ने, उन्हां दे नाम लिखे हुए आ, उह कमेटी बनाई गई हैगी आ जिहड़ी कमेटी इस तरीके दे नाल इह लांघा खुलवाउण दे वास्ते यतन करूंगी। सो तुसीं देखिया जी उन्होंने जिक्र किया हैगा, मैं जिहड़ी गल कह रहा सीगा कि हुण की दसीए किहदियां मजबूरियां, उन्होंने पहलकदमी की सी पाकिस्तान वालिआं ने, हुण दोज इधरों होणी सीगी, इधरले हालात तुहाडे सामणे आ सारिआं दे, सारा कुछ इदां ही जिद्दां हवारा कमेटी दी मैं गल करके हटिया, इदां ही उन्हां ने इक कमेटी नियुक्त कर लई है। इहदे दल खालसा दे वल्लों भी बीती कल 2 दिन पहला उन्होंने भी यह गल आखी है कि सिख मुसलमान सांझ दे प्रतीक करतारपुर साहिब लांघे नूं मुड़ खोले भारत की सरकार, इत्थे भी उन्हों का भी यही कहना है कि भारत की सरकार, क्योंकि इन्हां वल्लों ही हुण घाट हैगी आ, भारत की सरकार उस करतारपुर लांघे नूं दुबारा तो खोले तां जो उत्थे जाके सिख संगतां दर्शन दीदारे कर सकन। इहदे विच भी सारा उन्होंने अपना प्रैस नोट हैगा जी, उन्होंने जिक्र किया हैगा सारा ही आ, सारा सारे कासे दा भी उन्होंने पहलकदमी की पाकिस्तान वालिया ने, उन्हों का धनवाद इमरान खान ने, सारे ने किया उन्हों का धनवाद, और सिख कौम के मनों में क्यों ना उन्होंने प्रति हमदर्दी होगी, क्यों ना सिख कौम के मनों में उन्होंने प्रति सत्कार होगा, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के प्रति, उस मुल्क की हुकूमत के प्रति जिन्होंने सिख कौम के जज्बातों जिदा कह लो भी समझा हो, क्यों ना कौम उन्हों का सत्कार करूँगी, करना बनता, पर हुण इत्थे तां कहिंदे कि जे तुसीं उन्हों का सत्कार किया, जे उन्हां दे तुसीं दुख सुख दे विच तुसीं शरीक होए तो तुहाडे ते मुकदमे दर्ज किए जाणगे। इह सिख कौम दे जज्बातां दे नाल जुड़िया होया मामला आ। मैं आस करदा हां कि जिहड़ियां इह वख-वख जथेबंदियां दे वल्लों सिख कौम दे वल्लों इह यतन हो रहे ने, आस करदा कि भारत की सरकार जरूर इन्हां गल्लां ते गौर करूँगी, और उम्मीद करदे हां कि एक दिन जरूर इदां दा आऊँगा
कि जदों साडा चित करूँगा कि असी उधरले बन्ने जाके अपने गुरधामां दे दर्शन करने चाहुंदे आ ते असी उसे वेले उसे वक्त उत्थे जाके दर्शन दीदारे करके वापस अपने घर नूं आ सकदे आ। आओ आपां वी अपने इस माध्यम दे राही अरदास करदे आ उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे अगे। तुसीं वी जरूर अरदास करो, मिल जुल के अरदास करो और मिल जुल के अरदास दे नाल नाल यतन भी करिए कि अकाल पुरख वाहिगुरू जी कृपा करो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार बख्शो पातशाह जी। एक तो यह अरदास करिए, दूजा माड़े मोटे जिन्ने भी हो सकते हैं यतन, असी जो कुछ भी कर सकते हैं यतन भी जरूर करिए। मैं एज ए पत्रकार गल कर रहा हाँ, किसी के कोल कोई होर साधन जां होर कोई तरीका हैगा वो उस तरीके नाल यतन कर सकदा। लीडर पंथक लीडर वख-वख ढंग तरीके नाल यतन कर सकते हैं और जिन्हें भी सज्जन गलबात सुन रहे हैं जिहड़े पत्रकार नहीं भी है भावें घर ही बैठे है जिहड़े कुछ भी नहीं कर सकते सोशल मीडिया के उपर पोस्टा शेयर कर सकते हैं उहदा भी कोई ना कोई माड़ा मोटा असर जरूर हुंदा है। आस करते हैं कि आप सारे जने माड़ा मोटा अपना बनदा योगदान जरूर पावांगे और एक दिन जरूर इदां दा आऊँगा कि आप उन्हां गुरधामां दे दर्शन दीदारे जरूर कर सकांगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारयां दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।